ठीक है। तो सो आज हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो आज डाइवर्सिटी का ये आज हम दूसरा वाला लेक्चर मैं आपके लिए लाया हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं। तो कल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि जो एनिमल किंगडम एनिमिलिया है, तो किंगडम एनिमिलिया डिवाइड हो गया है इंटू 11 मेन फाइलम्स, 11 मेन फाइलम्स में वो डिवाइड हो गया था। तो अगर हम जनरली कहें तो एनिमल किंगडम 35, मोर देन 35 फाइलम्स में डिवाइड हो गई है। बट मेनली हमें जो पढ़ना होता है दैट इज 11 फाइलम्स, हमें मेनली सिलेबस में है। तो ये 11 फाइलम्स ऐसे ही नहीं बन गए, तो कुछ बेसिस थी जिस पर, ऑन द बेस ऑफ दोज थिंग्स, जो ये फाइलम्स है, ये फाइलम्स बन गए। जैसे पॉरिफेरा है, इतना तो मुझे याद है कि आपको अब थोड़े बहुत से फाइलम्स के नाम तो याद हुए होंगे। तो पहला फाइलम कौन सा आता था? पॉरिफेरा आता था। दूसरा कौन आता था? दूसरा आता था सिंडेरियंस। तीसरा आता था ये टीनोफोरिया। फिर उसके बाद कौन से आते थे? प्लांट हेलमाइंस आते थे। उसके बाद एस्किल हेलमाइंथस आते थे। और उसके बाद आते थे एनलीड्स, जिनको हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते थे। उसके बाद मोलस्क्स आते थे, जिनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते थे। उसके बाद आते थे काइनोडर्मेट्स, जिनको हम स्पाइनी सिकिड सिकनेड एनिमल्स भी कहते हैं। और काइनोडर्मेट्स के बाद हेमिकॉर्डेट्स आते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स आते हैं। तो जो ये फाइलम्स हैं, तो फाइलम्स किस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई इन एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में? ऑन द बेस ऑफ व्हाट थिंग्स, ऑन द बेस ऑफ किस क्राइटेरिया पर, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था जिस बुनियाद पर इन एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स असाइन किए गए? तो हाँ, तो देखो वही आज हम, तो आज और कल का लेक्चर, तो आज और कल का लेक्चर जो है वो बेसिकली हम 10 बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिस पर नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो 10 बेसिक क्राइटेरियाज है, ये 10 बेसिक क्राइटेरियाज हमको दो क्लासेस में ये हो जाएंगे, आज और कल के क्लास में। तो 10 बेसिक ऐसे क्राइटेरिया है जिन पर ये जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया इनटू फाइलम्स में। तो वो 10 बेसिक जो है, 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन द बेस ऑफ दीज 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमिलिया इज डिवाइडेड इनटू 10 एंड 11 फाइल्स। तो अब ये जो 10 बेसिक फाइल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एनिमल किंगडम की जो एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाई किया है जो 11 फाइलम्स, वो 11 फाइलम्स ऑन द बेस ऑफ किस पर है? ऑन द बेस ऑफ दीज 10 बेसिक कैरेक्टर्स मैंने जो बोले आपको। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एवे ही थोड़ी बन जाएंगे 11 फाइलम्स। तो 11 फाइलम्स किसकी बुनियाद पर बन गए? ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। और वो क्राइटेरियाज क्या है? वो क्राइटेरियाज बेसिस बन जाती है किसकी? क्लासिफिकेशन की। और इनमें से 10 बेसिक, ये हम लेंगे क्राइटेरिया, 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिस जिनकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हो गई है एनिमल्स की। अब उनमें से आज हम जो जो पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर विल बी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला वाला जो बेसिक फंडा है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जिसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हुई है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज ये हम पढ़ेंगे।
दूसरा हम पढ़ेंगे आज बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री दूसरा वाला हम लेंगे आज, और तीसरा हम लेंगे जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, ठीक है। उसके बाद आज तो आई थिंक ये तीन तो हो जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि सीलोम भी आज हो जाए। सीलोम, सीलोम जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, सीलोम, और उसके बाद पांचवा करेक्टरिस्ट जो है, आज तो इतने हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन तो मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सीलोम तक खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे दो ही लेक्चर्स इसमें लगाने हैं, दो से ज्यादा लेक्चर्स इसके नहीं होने चाहिए बीस तक क्लासिफिकेशन के। तो उसके बाद बॉडी प्लान है, उसके बाद सेगमेंटेशन है, बॉडी सेगमेंटेशन, इसी तरीके से उसके बाद यह है दैट बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी प्लान, सीलोन है, जर्म लेयर्स है, बॉडी सिमेट्री है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें फिर आता है टेम्परेचर आता है, इसमें इसमें न्यूट्रिशन आता है, इसमें स्केलेटल सिस्टम आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, न्यूट्रिशन तो आ गया। तो इसी तरीके से और बहुत सारे, ये तो मेन है, दीज आर द मेन, ये मेन 10 में भी ये 6 मेन है, ये मेन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हम ये चार, आई थिंक वी विल कंप्लीट दीज फोर। तो चलिए जी जल्दी से हम चलते हैं। देखो अगर आप 10 के 10 लिखना चाहोगे तो देखो सातवें पर आएगा फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद आएगा टेम्परेचर, फिर उसके बाद आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे, दसवें पर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्यारहवें पर आएगा इनका स्केलेटन। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम 10 मेन 10 बेसिक्स देंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज फिर द फर्स्ट, जो जो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द बेस ऑफ विच द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज डन, तो जिसकी बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन हो गई है, तो उसमें आज हम पहला वाला लेंगे, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, देखो सिंपल सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज कैसे हुए ये एनिमल्स की बॉडी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबको पता ही है कि एनिमल्स जो है दीज आर मल्टीसेलर, यम जो एक एक खोल तो ज्यादा सेलर हैं बनी, गो यम जो मल्टीसेलर, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्मन मज यम सेल्स कित कट अरेंज गम्स, ठीक है, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स में, तीन तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पाई जाती है, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है किनमें, एनिमल्स में तीन किस्म की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। पहले पहली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज सेल्यूलर, सेल्यूलर ग्रेड, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं इसमें चौथा भी लगा तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड,
organ system grade? देखो सारे एनिमल्स जो है दे आर मल्टीसेलुलर, ये बात आपको सबको पता है कि एनिमल्स क्या है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब देखो लेकिन ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है, इनमें अब ये सेल्स किस तरीके से अरेंज है, तो ऑन द बेस ऑफ दैट अरेंजमेंट, ऑन द बेस ऑफ दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ये अरेंज्ड है सेल्स, तो कितनी कितने लेवल्स निकल गए, चार, तो मेनली तीन निकलते हैं। तो सेलर ग्रेड देखो क्या है, एक एनिमल एनिमल बना है बहुत सारी सेल्स का, लेकिन वो सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं है। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन एनिमल्स में जो मल्टीसेलर तो है उनमें एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती है, मल्टीसेलर तो है क्योंकि एनिमल्स सारे मल्टीसेलर है, तो मल्टीसेलर एनिमल्स आधे ऐसे मल्टीसेलर एनिमल्स हैं जिनमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है, और ये जो लूजली अरेंज्ड सेल्स होती है अगर सेल्स टाइटली पैक हो जाए तो वो टिश्यूज बनाती है, लेकिन जब सेल ही टाइटली पैक नहीं हो रही है तो वो कैसे एक टिश्यू बनाएगी, तो ये सेल्स ऐसे वरियर ज्यादा लूजली अरेंज गम्स के मिलकर ने टिश्यू बनाई केंद्र। तथा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट वन सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेल्स आर लूजली अरेंज, सेल्स आर लूजली अरेंज, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, लूजली अरेंज। तो सेल इज लूजली अरेंज्ड होती है, इनमें कोई टिश्यू या ऑर्गन की कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस वाले फाइलम में देखा जाता है, किन एनिमल्स में देखा जाता है, पोरिफेरस, पोरिफेरा। तो पोरिफेरा आप याद रखोगे, पोरिफेरा हैज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो मेन पॉइंट ये है, What is cellular grade means जो porifera है, porifera भी animal ही है, ये भी multicellular है, but जो porifera है इसमें जो cells है वो loosely arranged है, और इस loosely arranged cells के grade को हम क्या कहते हैं, cellular grade कहते हैं, और ये किन में पाया जाता है, porifera में पाया जाता है। तो ये आप point याद रखोगे, this is an important point, किन में cellular grade पाया जाता है, porifera में। तो पोरिफेरा की जरा कोई मुझे एग्जाम्पल बोलो, कल मैंने एक एग्जाम्पल बोली थी पोरिफेरा, हम स्पॉन्ज। अब देखो टिश्यू ग्रेड क्या है, तो अगर सेल्स टाइटली पैक हो रही है, व्हेन सेल्स गेट टाइटली पैक, जब सेल्स टाइटली पैक हो रही है तो वो क्या बनाएगी, वो टिश्यू बनाएगी, क्योंकि जब सेल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाती है तो वो एक कॉमन फंक्शन करती है, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो है, दैट मींस पर्टिकुलर फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द टिश्यूज, अगर सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है तो वो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू एक स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में देखने को हमें मिलती है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें सिंडेरियंस जिसमें हाइड्रा एक एग्जाम्पल है, और टीनोफोरा और सिंडेरियंस में हमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, सही आ रहा है, ठीक है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिल रही है, सिंडेरियंस में हमें देखने को मिल रही है, कौन सी, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किन में, टीनोफोरियंस में। मैंने कल भी कहा था कि ये जो सिंडेरियंस है या टीनोफोरियंस है, ये दोनों फाइलम्स है, ये पहले एक ही फाइलम हुआ करते थे, that phylum was known as Coelenterata। तो Coelenterata में दोनों पहले आते थे, लेकिन फिर देखा गया कि जो ये सिंडेरियंस है, ये सिंडेरियंस और टीनोफोरियंस में कुछ कैरेक्टर्स क्या है, थोड़े से सेपरेटेड कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल जरा टीनोफोरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, दे आर बायोलुमिनेसेंस, they produce light, they emit light, ये light emit करते हैं, इनमें bioluminescence है, इनमें टीनोफोरियंस में, तो इसीलिए फिर इनको सेपरेट किया गया। तो सिंडेरियंस और टीनोफोरियंस में कौन सा ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स कंबाइन हो चुके हैं और उन्होंने टिश्यूज बना दिए,
तो ये आप याद रखोगे, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में है, सिंटैरियंस में है। अब देखो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स, जब अगर एक एनिमल में टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं, जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो अगर किसी एनिमल की बॉडी में ऑर्गन भी पाए जाते हैं तो दैट्स ग्रेड इज नोन एज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू होगा? देखो तीन फाइलम्स आ गए हमारे पास, पॉर्फेरा, सिंटैरियंस, टीनोफोरियंस। पॉर्फेरा में सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड सिंटैरियंस और टीनोफोरा में है। उसके बाद कौन सा आता है? प्लांट हेलमिंथस, प्लांट हेलमिंथस। तो प्लांट हेलमिंथस से लेकर अप टू कॉडेट्स ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पर्टिकुलरली प्लांट हेलमाइंथस और एस्किले हेलमाइंथस में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी एनालीड से लेकर कॉर्डेट्स तक क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो देखो वरना देखो सिंपल सी बात है, अगर तीन ही सिस्टम आपको, अगर वहां पर क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गन ग्रेड किन में है, तो वहां पर ऑप्शन होगा फॉर एग्जाम्पल पॉर्फेरेंस, सिंडारियंस, टीरोफोरियंस, और वहां पर होगा या पॉर्फेरेंस ये ऐसे ही होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम ग्रेड जो है, ऑर्गन ग्रेड किन में पाया जाता है? प्लांट हेलमाइंथस से जो आगे फाइलम्स है, सारे फाइलम्स में ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो लेकिन प्लांट हेलमाइंथस में मेनली, प्लांट हेलमाइंथस और एस्किले हेलमाइंथस में खाली ऑर्गन ग्रेड ही पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड नहीं, क्योंकि ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर, दिस फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी तरीके से किडनी तो ऑर्गन है, लेकिन जब यूरेटर से मिलती है, यूरिनरी ब्लेडर से मिलती है, यूरेथ्रा से मिलती है, तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है। तो इसी तरीके से प्लांट हेलमाइंथस और एस्किले हेलमाइंथस में क्या है? प्लांट हेलमाइंथस और एस्किले हेलमाइंथस में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड जिसमें ऑर्गन्स ने अब ऑर्गन सिस्टम बना दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो किन में पाया जाता है? वो एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो एनालिड दैट मींस एनालिड के बाद कौन आता है? आर्थ्रोपोड्स आते हैं। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, तो इनमें क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेल एज ऑर्गन ग्रेड किन में आता है? प्लांट हेलमाइंथस एंड एस्किले हेलमाइंथस, दोनों ही गंदे फाइलम है क्योंकि ये डिजीज काजिंग फाइलम्स है, हेलमाइंथस है, प्लांट हेलमाइंथस और एस्किले हेलमाइंथस, इनमें ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वेल एज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में है? सिंडारियंस और टीनोफोरियंस में। और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में है? पॉर्फेरा में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आई विल वेट फॉर दैट। यहां पर ये तो थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, ये बस ठीक है, तो हो गया ये। तो ये तो होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों को क्लियर है, बहुत ही इजी है ये। ऐसे हमें टीचर्स क्या करते हैं, वो डराते हैं डाइवर्सिटी से, बट डाइवर्सिटी इज मच इजी, डाइवर्सिटी बहुत इजी है। एंड आई विल मेक दिस डाइवर्सिटी टू गेट एंड इन 10 days, 10 क्लासेस, 10 या 12 क्लासेस में इसको खत्म कर दूंगा। अब देखो, अब जो दूसरा क्राइटेरिया है जिस पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है एनिमल्स की, एंड दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, अब देखो बॉडी सिमेट्री, पहले हमें देखना है कि सिमेट्री किसको कहते हैं। नाउ व्हाट सिमेट्री मींस, सिमेट्री हम किसको कहते हैं? देखो सिमेट्री अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी डिफिनेशन में लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा ये डिफिनेशन क्या है। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स,
या बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल। तो एनिमल एक एनिमल है, मैं एक एनिमल लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात में करता हूं। देखो सिमेट्री इसको कहते हैं, सिमेट्री सिंपली हम पैटर्न को कहते हैं। हर किसी एनिमल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है किनका, ऑर्गन्स का, बॉडी पार्ट्स का एक पर्टिकुलराइज्ड पैटर्न होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी राइट वाली साइड भी एक आंख है, इस वाली साइड भी एक आंख है, इस वाली साइड एक हाथ है, इस वाली साइड भी एक हाथ है। तो दैट मींस देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न इन माय बॉडी। ऑर्गन्स का, ये जो मेरे बॉडी ऑर्गन्स है इनका कोई, इनकी कोई तरतीब है। एक एनिमल में जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स की कोई तरतीब होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने अभी एग्जाम्पल पहले दे दी है कि एक आंख यहाँ से है, एक आंख यहाँ से है। तो दैट मीन्स इसी तरीके से ये जो ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है तो ये इस साइड है, इस साइड है, तो एक पर्टिकुलराइज पैटर्न होता है ऑर्गन्स का एक एनिमल की बॉडी में, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। हर किसी एनिमल में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ऑर्गन्स का, ठीक है, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। तो व्हाट इज सिमेट्री नाउ, सिमेट्री सिंपली हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम तरतीब, ज्योमेट्रिकल मींस हम कहते हैं ना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मींस जिसमें फिगर्स फिगर्स हम आती है। तो फिगर्स कैसे होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ट्राइंगल पर्टिकुलर पैटर्न है, स्क्वायर उसका पर्टिकुलर पैटर्न है। तो इसी तरीके से ऑर्गन्स का पर्टिकुलर पैटर्न, एक एनिमल में ऑर्गन्स का पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, दैट इज नोन एज सिमेट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अब ये जो बॉडी की सिमेट्री है, अब बॉडी की सिमेट्री एनिमल्स में तीन तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। दीज एनिमल्स दे हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री, तीन किस्म की बॉडी सिमेट्री एनिमल्स में पाई जाती है, तीन तरीके की सिमेट्रीज होती है। एक तो होती है रेडियल, रेडियल, दूसरी होती है बाइलेटरल, तीसरी होती है एसिमेट्रिकल। फिर कोई बोलेगा बायरेडियल होती है, वो छोटो, तीन किस्म की सिमेट्रीज होती है एनिमल्स में, रेडियल, बाइलेटरल एंड एसिमेट्रिकल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री किसको हम कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक एनिमल लूंगा, ये एक एनिमल है, जरा आप मुझे बोलो ये कौन सा एनिमल है। किसी को पता है, ये मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बोला था, अगर किसी को याद है ये एनिमल कौन है वो मुझे बोले। ये हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है। अब देखो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा जो है ये हाइड्रा का माउथ है, ये क्या है, हाइड्रा का माउथ, और माउथ के अराउंड क्या है, ये दीज आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम टेंटैकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंटैकल्स। मैंने कल भी कहा था कि जो टेंटैकल्स है, टेंटैकल्स पर कौन सी सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल्स, जिनको हम सिंडोब्लास्ट्स कहते हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म की सेल्स होती है स्टिंग, ये सिंडोब्लास्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये सिंडेरियम है, हाइड्रा क्या है, एक सिंडेरियम है, सिंडेरिया में आता है, तो टेंटैकल्स है। तो इसके माउथ के हर, माउथ की हर कहीं से, माउथ की हर किसी डायरेक्शन, माउथ बीच में है, तो माउथ के हर किसी साइड से टेंटैकल्स है इस पर,
ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रा है ये एक ही जगह होता है, ये सिसाइल है। हाइड्रा क्या है? इट इज सिसाइल। सिसाइल मतलब जो एक ही जगह होता है। दोज ऑर्गन्स विच डू नॉट मूव, विच आर जस्ट, वो एक ही जगह बैठे होते हैं, इमुएबल होते हैं, उनको हम सिसाइल कहते हैं। तो हाइड्रा क्या है? सिसाइल है, एक ही जगह होता है। और अगर कोई एक ही जगह इंसान है तो उसको चाहिए कि उसको हर किसी डायरेक्शन में नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी कोई आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी कोई आ सकता है। तो इसीलिए इसको इसको हर कहीं से अपने आप को सेफ रखना है। तो इसके टेंटेकल जो है वो हर कहीं से मौजूद है, वो रेडियली अरेंज है। ठीक है, इसके टेंटेकल्स कैसे अरेंज है यार? अरेंज्ड इन अ रेडियल मैनर। रेडियल मींस गुड, इट गोस टू अच्छे सुप्रीम ड्राम्स, यू स्पाई स्पोक्स। तो वो स्पोक्स कैसे अरेंज्ड है? सेंट्रल पॉइंट तो ये है, दिस इज जस्ट लाइक एज द माउथ ऑफ हाइड्रा। तो माउथ ऑफ हाइड्रा से ये स्पोक्स निकल रही है, दीज मींस टेंटेकल्स निकल रही है। तो ये टेंटेकल्स हर किसी डायरेक्शन में निकल रही है। तो दैट मींस ये जो टेंटेकल्स है ये कैसे अरेंज्ड है? दे आर अरेंज्ड इन अ रेडियल फैशन। रेडियल अरेंजमेंट है इनका, किनका? इन टेंटेकल्स का। अब रेडियल अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रा जो बंदा है ये बंदा सिसाइल है, एक ही जगह है। तो अगर एक ही जगह ये बैठा है तो इसको एक ही जगह बैठने के लिए हर कहीं पर इसको नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसका दुश्मन पीछे भी से भी आ सकता है, इसका दुश्मन साइड से भी आ सकता है, इसका दुश्मन आगे से भी आ सकता है। तो दुश्मन को देखने के लिए इसके जो सेंस ऑर्गन्स है, दैट मींस सिंडोब्लास्ट सेल्स और ये टेंटेकल्स, ये हर कहीं से रेडिएट हुए हैं। ठीक है, ये हर कहीं से, हर किसी डायरेक्शन से ये रेडिएट हुए। अब देखो सिमेट्री, इसमें सिमेट्री, मैं बेसिकली रेडियल सिमेट्री आपको बताना चाहता हूँ, रेडियल सिमेट्री है क्या। तो सिमेट्री को देखने के लिए हमें पहले क्या करना है? हमें पहले एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज देखनी है। इस हाइड्रा में, किसी भी एनिमल में, सिमेट्री को देखने के लिए हमें पहले उसकी क्या देखनी है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, सेंट्रल एक्सीज हमें उसमें देखनी है कि सेंट्रल एक्सीज कहां से है इसकी, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज कहां से है। तो देखो हाइड्रा का लंबा वाला लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? हेड टू टेल, ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड है। देखो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, और ये क्या है? दिस इज हॉरिजेंटल एक्सीज। ये वर्टिकल एक्सीज है, ये हॉरिजेंटल एक्सीज है। इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज कहता हूँ, इसको मैं लैटिट्यूडनल एक्सीज कहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जो सेंट्रल एक्सीज या लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज दिखाऊं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज इसकी ये होगी। ठीक है, दिस इज इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, ये हाइड्रा की लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज होगी। अगर मेरे पास कलर्ड पेन होता तो आपको अच्छे से दिखता, लेकिन चलो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज है हाइड्रा की, ये मैं मिटा देता हूं। ये हाइड्रा की लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, वो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज हाइड्रा की लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज है। अब देखो अगर मैं यहां से हाइड्रा को कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, ये कट करण काट, यहां पर करण ये कट काट, मैं इसको ऐसे कट कर, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ये टायर है, जस्ट लाइक इज अ टायर ऑफ अ साइकिल, बाइसिकल। तो फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल की क्या है? ये टायर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, सेंट्रल एक्सीज कहो आप, जो सेंट्रल सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से जो लाइन निकल रही है और लॉन्गिट्यूडनली निकल रही है, उस सेंट्रल पॉइंट से जो लाइन निकल रही है और लॉन्गिट्यूडनल जा रही है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सीज, और आप इसको सेंट्रल एक्सीज भी कहोगे। तो ये साइकिल टायर जो है उसकी सेंट्रल एक्सीस होगी, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सीस भी आप कहते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस साइकिल के टायर को यहां से कट करूं, चाहे यहां से कट करूं या ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनली कट करूं, तो जहां से मैं इसको कट करूंगा ये इक्वल हाव्स में, ये इक्वल इसके टुकड़े इक्वल इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले ऐसे इसका प्लेन ऑफ डिविजन, अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, आई एम कटिंग दिस जस्ट लाइक दिस, ये टायर है, दिस इज द टायर।
अगर इस टायर को मैं ऐसे काट रहा हूं, सेंट्रल एक्सीस जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से मैं छुरा लेता हूं और छुरे को मैं ऐसे सेंट्रल एक्सीस के बीचों बीच से मैं उसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। ठीक है, तो ये दो हिस्से हो गए, यहां पर भी स्पोक्स आएंगी, इस वाली साइड भी स्पोक्स आएंगी, तो दैट मीन्स इसमें दो हिस्से हो गए। अगर मैं अब ऐसा कर दू, अगर मैं प्लेन ऑफ डिविजन को, अगर मैं डिविजन ऐसे कर दू इस वाली साइड से, लेकिन फिर भी सेंटर में ही पास, ये डिविजन जो हो रहा है वो सेंटर के बीचों बीच से पास हो रहा है, तो यहां से भी अगर मैं साइकिल को काटू तो यहां से भी आधे स्पोक्स यहाँ आएंगे, आधे यहाँ आएंगे, तो दैट मीन्स इक्वल हिस्से हो जाएंगे। तो रेडियल सिमेट्री मतलब कि अगर एक एनिमल की बॉडी को हम किसी भी प्लेन ऑफ डिविजन से, कोई भी प्लेन ऑफ डिविजन हो, चाहे प्लेन ऑफ डिविजन देखो कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक चीज है, अगर मैं ऐसे काटूं दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, अगर मैं ऐसे काटूं दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर मैं ऐसे काटूं दिस इज ओब्लिक प्लेन, इसको हम ओब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो चाहे मैं ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, अगर एनिमल की बॉडी हर किसी प्लेन ऑफ डिविजन से इक्वली हाउस में कट रही है, दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री वो वाली सिमेट्री है जिसमें एनिमल की बॉडी, कहीं से भी आप एनिमल की बॉडी को कट करो लेकिन वो इक्वल हाउस में कन्वर्ट हो जाएगी। रेडियल सिमेट्री इज दैट सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म बॉडी और एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउस थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिविजन, किसी भी प्लेन ऑफ डिविजन से आप उसको कट करो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कट करो, लॉन्गिट्यूडनल कट करो, ओब्लिक कट करो, लेकिन जो प्लेन ऑफ डिविजन है वो सेंट्रल एक्सिस के बीचों बीच से पास होना चाहिए, और जब वो सेंटर के एक्सिस के बीचों बीच पास हो जाएगा तो उस एनिमल की इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। देखो, तो अगर मैं डेफिनेशन लिख डालू, आई थिंक थोड़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि रेडियल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री देखो कंसेप्ट आपको याद क्या रखना है कि रेडियल सिमेट्री इज दैट सिमेट्री, ये वो सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री इज दैट सिमेट्री इन विच जिसमें एन एनिमल बॉडी, एक एनिमल की बॉडी, एन एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउस में वो डिवाइड हो जाएगी, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउस थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिविजन, थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिविजन, तो कोई भी प्लेन ऑफ डिविजन हो, हर किसी प्लेन ऑफ डिविजन से एक एनिमल की बॉडी डिवाइड हो जाएगी इनटू इक्वल हाउस, दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो आई थिंक रेडियल सिमेट्री सबको क्लियर है व्हाट रेडियल सिमेट्री मींस। रेडियल सिमेट्री वो वाली सिमेट्री है जिसमें एक एनिमल की बॉडी को हम डिवाइड करेंगे इक्वल हाउस में, लेकिन इक्वल हाउस में कैसे इसको डिवाइड करेंगे, थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिविजन, चाहे फॉर एग्जाम्पल यही मैं अभी मैंने हमने एग्जाम्पल किसकी ली, हमने एग्जाम्पल हाइड्रा की ले ली, तो हाइड्रा में जो टेंटेकल्स हैं वो रेडियली अरेंज्ड है, और अगर मैं हाइड्रा को कट कर दूं, अगर मैं हाइड्रा को कट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रा, अगर मैं हाइड्रा को कट कर दूं, चाहे मैं इसको यहां से कट कर दूं, चाहे मैं इसको ऐसे कट कर दूं, चाहे इसको मैं ऐसे कट कर दूं, तो जो कट हो रहा है, पासिंग दैट कट शुड पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, वो सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल पॉइंट से वो पास होना चाहिए, वो कौन सा कट, और जब वो सेंट्रल पॉइंट से वो कट पास हो जाएगा, लेकिन कोई भी प्लेन ऑफ डिविजन हो, चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे वर्टिकल प्लेन हो, चाहे हॉरिजेंटल प्लेन हो, चाहे ओब्लिक प्लेन, किसी भी तरीके से आप उसको कट करो, लेकिन वो उस एनिमल की बॉडी डिवाइड हो जाएगी इनटू इक्वल हाउस में, दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। आई थिंक आप सबको क्लियर है कि व्हाट रेडियल सिमेट्री इज। चलो जी, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको रेडियल सिमेट्री में, मैंने कल भी आपको कहा है, यू कैन मैसेज देयर ऑन द ऐप, आई एम देयर, तो दिस इज द रेडियल सिमेट्री।
अब रेडियल सिमेट्री किस में हमें देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री, देखो रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री हमें सिंडारियंस में देखने को मिलती है, सिंडारियंस, टीनोफोरियंस, सिंडारियंस, सिंडारिया में, टीनोफोरा में, और किस फाइलम में हमें देखने को मिलेगी? और इकाइनोडर्मेटा। अब देखो इकाइनोडर्मेटा, एक और बाद में भूल गया, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। देखो इकाइनोडर्मेटा या रेडियल सिमेट्री किन किन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होगी? जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, जैसे कि इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल थी, हाइड्रा की बॉडी, हाइड्रा की बॉडी क्या थी? हाइड्रा की बॉडी सिलेंड्रिकल थी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा बॉडी वॉज सिलेंड्रिकल, इसमें ऐसे टेंटैकल्स थे, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी सिलेंड्रिकल थी। तो जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल हो, या डिस्क शेप्ड बॉडी, जिनकी डिस्क शेपर्ड बॉडी, तो रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन दोज एनिमल्स विच हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, जस्ट लाइक हाइड्रा, जस्ट लाइक टीनोफोरियंस, जस्ट लाइक सिंडारियंस। सिलेंड्रिकल बॉडी हो, डिस्क शेपर्ड बॉडी हो। अब डिस्क शेपर्ड बॉडी देखो, आप यहां पर मैं बनाता हूं, दिस इज स्टार फिश, ये सेंट्रल डिस्क थी इसकी, ये इसके आर्म्स है, दिस इज अनदर आर्म, दिस इज अनदर आर्म, हियर इज अनदर आर्म। तो ये क्या है? ये स्टार फिश है, इकाइनोडर्मेट स्टार फिश। तो स्टार फिश फॉर एग्जाम्पल, इसकी सेंट्रल एक्सिस ये है ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तब जाके भी दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तब जाके भी दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, चाहे कहीं कोई भी प्लेन ऑफ डिविजन हो, मैं इसको कट कर रहा हूं तो दो इक्वल हाउस में ये इसके इक्वल हाउस हो रहा है, दो हो रहे हैं, तीन इक्वल हाउस हो रहे हैं, तो कितने इक्वल हाउस इसके हो रहे हैं? बट इक्वल हाउस इसको हो रहा है, किसी भी प्लेन ऑफ डिविजन से इसमें इक्वल हिस्से हो रहे हैं, तो उसको मैं रेडियल सिमेट्री कह रहा हूं। तो इसकी बॉडी कैसे? डिस्क शेप्ड बॉडी है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में डिस्क शेप्ड बॉडी होगी, या जिन एनिमल्स में सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल और डिस्क शेप्ड बॉडी, और उनमें क्या होना चाहिए? स्लो मूविंग, स्लो मूविंग। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार फिश है, इकाइनोडर्मेट्स है, वो बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, बार बार लोत लोत पकड़, दैट मीन्स वो ना के बराबर, तो स्लो मूविंग है। और या सिसाइल, या हाइड्रा की तरह चल ही नहीं जा चल वो चलते नहीं है। तो जो ऑर्गन सिसाइल होते हैं, इमुएबल होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, और जिनमें डिस्क शेप और सिलेंड्रिकल शेप हो, बॉडी डिस्क और सिलेंड्रिकल हो, तो उनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये तीन चार पॉइंट्स आप लिख डालो, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन दोज एनिमल्स विच हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, विच हैव डिस्क शेप्ड बॉडी, विच आर स्लो मूविंग एंड सिसाइल, सिसाइल मीन दे आर इमुएबल। तो रेडियल सिमेट्री किस किस फाइलम में देखने को हमें मिल रही है? एक तो टीनो, एक तो सिंडारियंस, सिंडारियंस, दूसरा टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी है, और इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्मेट्स। लेकिन इकाइनोडर्मेट्स में आप एक बात याद रखोगे, इकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, लेकिन अगर मैं इकाइनोडर्मेटा का लार्वा ले लू, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लार्वा बाइलेटरल होता है, लार्वा इज बाइलेटरल बट एडल्टस, लेकिन हम एज ए फाइलम अगर हम कहेंगे तो इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, क्योंकि हम सिमेट्री किन की कंसिडर करते हैं? एडल्टस की सिमेट्री हम कंसिडर करते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के एडल्टस वो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, जो लार्वल स्टेजेस में जब इकाइनोडर्मेटा होते हैं, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। 39 मिनट्स लॉन्ग।
तो यहां तक हो गया, तो आपको समझ आ गई कि राइडियल सिमेट्री है क्या चीज। अब उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, अब देखो बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, बहुत ही आसान है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेक द ह्यूमन, एक ह्यूमन को आप ले लो, इज द ह्यूमन। तो ह्यूमन देखो, ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन की बॉडी सिलैंड्रिकल है, सिलैंड्रिकल शेप्ड बॉडी। तो अगर मैं ऊपर से एक ह्यूमन को देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस मी, लाइक मी, तो अगर मैं ह्यूमन की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में मुझे डिवाइड करना है ह्यूमन की बॉडी को, तो कैसे हो सकते हैं दो हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स कैसे हो सकते हैं अगर मैं ह्यूमन की बॉडी को यहां पर कट कर दूं। ये इक्वल हाफ्स हो गए, यहां टांगे आ गई, यहां पर सिर आ गया, नहीं हो सकता ऐसे भी। तो सिमिट्री हो आनी चाहिए, जब मैं इसको कट करूंगा तो इसकी बॉडी में सिमिट्री आनी चाहिए, सिमिट्रिकल कट्स इसमें होने चाहिए, इक्वल हाफ्स होने चाहिए, हर किसी कट में इक्वल ऑर्गन्स आने चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, इसको मैं ऊपर से ऐसे कट कर रहा हूं, तो दैट मीन्स एक आंख इस वाले साइड, एक आंख उस वाले साइड, एक नॉस्ट्रल वहां, एक नॉस्ट्रल यहां, आधा मुंह वहां, आधा मुंह यहां, गर्दन का आधा यहां, आधा यहां, एक आर्म यहां, एक आर्म वहां। तो जो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री हम उस सिमेट्री को कहते हैं जिसमें एनिमल की बॉडी दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगी, दो इक्वल हिस्से उसके हो जाएंगे, लेकिन जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है, खाली लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन से ही इसकी बॉडी दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। अगर हम प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजेंटल लेंगे, हॉरिजेंटल ट्रायर, इसको हम ओब्लीक या हॉरिजेंटल मैं लूंगा, अगर मैं ऐसे कट करूंगा तब भी दो दो इक्वल हाफ्स नहीं हो जाएंगे, अगर मैं ऐसे कट करूंगा तब भी दो इक्वल हाफ्स नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब मैं थ्रू ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन, खाली एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से अगर एनिमल की बॉडी डिवाइड हो रही है इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये कौन सा प्लेन ऑफ डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन, और ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इसको हम सैगिटल प्लेन भी कहते हैं, दिस इज नोन एज सैगिटल प्लेन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, कट मैं कैसे कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कट कहां से पास हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस के बीच होंगी, क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यही है, सेंट्रल एक्सिस भी यही है। तो अगर सेंट्रल एक्सिस से ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दिस सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन, जब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन पास कहां से हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, थ्रू सेंट्रल एक्सिस। तो जब एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन सेंट्रल एक्सिस के बीचों बीच से जा रहा है तो इस वाले प्लेन को हम सैगिटल प्लेन कहते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री वो वाली सिमेट्री हो गई इन विच एनिमल्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इन विच, यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, इन विच एनिमल्स बॉडी इज दैट सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री इज दैट सिमेट्री इन विच एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इनटू इक्वल हाफ्स ओनली थ्रू वन प्लेन ऑफ डिवीजन, ओनली थ्रू वन प्लेन ऑफ डिवीजन, और वो वाला प्लेन ऑफ डिवीजन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ओनली थ्रू वन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ब्रैकेट में यहां पर लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है।
into equal halves only through one plane of division passing through सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमें किस में देखने को मिलती है? प्लैट हेलमाइंथिस से आगे, प्लैट हेलमाइंथिस से अप टू कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स तक, प्लैट हेलमाइंथिस से कॉर्डेट्स तक हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। दैट मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बोल दी कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या हो, बाइलेटरल सिमेट्री को सिंपली ससिमेट्री यथ मजाक एनिमल सिंस बॉडी गैसे दोन हिसन मज गैसे दोन इक्वल हिसन मज गैसे तब्दील, तो लेकिन कथ कट गैस तब्दील यूजन प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे सु प्लेन ऑफ डिवीजन गैस खाली आसुन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन को ओनली थ्रू वन प्लेन ऑफ डिवीजन गैस कट बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स दैट सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री किस वाले फाइलम में पाई जाती है? प्लांट हेलमाइंथस, एस्किले हेलमाइंथस, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स को छोड़ के इकाइनोडर्मेट्स में कौन सी सिमेट्री आती है? रेडियल सिमेट्री, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो खाली प्लांट हेलमाइंथस से कॉर्डेट्स तक, लेकिन इकाइनोडर्मेट्स को छोड़ के, इकाइनोडर्मेट्स वराय यम ते प्लांट हेलमाइंथस पेट कॉर्डेट्स तक फाइलम च यिवन तिमन मंज बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये आपकी बाइलेटरल सिमेट्री कंप्लीट होगी। अब इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री के बाद हम एसिमेट्री लेते हैं, एसिमेट्री। नाउ व्हाट एसिमेट्री मींस, एसिमेट्री का मतलब हो गया जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो। तो सिमेट्री किन एनिमल्स में नहीं है? फॉर एग्जांपल मैं एक स्पॉन्ज लेता हूं पॉरिफेरम, इस पॉरिफेरा को पता नहीं है कि मुझे कितना ग्रो होना है, कैसे ग्रो होना है, तो ये एक पॉरिफेरा है। हा? तो ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, जरा कर दो इसको डिवाइड, इसकी बॉडी ही इरेगुलर है। हाँ, इसकी बॉडी इरेगुलर है। अगर मैं यहां से कट करूं ये छोटा हिस्सा आ गया, ये बड़ा हिस्सा। अगर मैं यहां से कट कर दूं फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं यहां से कट कर दूं ऐसे, तो यहां पर ये अलग हिस्सा आएगा, ये अलग आएगा, क्योंकि इसमें अलग ये जो ये है अलग आएंगे। तो जिन एनिमल्स में इरेगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट लाइक दिस इरेगुलर स्ट्रक्चर पॉरिफेरा, पॉरिफेरा को आप यहां से काटो किसी भी प्लेन से आप इसको काटोगे तो इसमें इक्वल हिस्से नहीं हो जाएंगे। तो दोज एनिमल्स इन विच थ्रू एनी प्लेन द बॉडी कांट बी डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ्स, दोज animals are known as asymmetrical animals or that symmetry is known as asymmetry. तो asymmetry को हम क्या कहते हैं? Asymmetry. Asymmetry in which animals body cannot be divided into equal halves. इक्वल हाउस नहीं हो जाएंगे एनिमल की बॉडी को थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन के जरिए, थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिवीजन। तो कोई सा भी प्लेन ले लो, आप हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, ओब्लिक ले लो, लेकिन बॉडी ऑफ एनिमल इज एसिमेट्रिकल, उसमें कोई ये सिमेट्री नहीं है, उसका आपको पता ही नहीं है हेड कहाँ है, टेल कहाँ है उसका, तो आप कैसे उसमें सिमेट्री देखोगे? तो उसमें जब ना तो हेड का पता है ना तो टेल का पता है, तो दैट बॉडी इज नोन एज एसिमेट्रिकल बॉडी। और उन एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में हम किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से उसको इक्वल हाउस में नहीं बांट सकते। तो दोज आर नोन एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म एंड दैट सिमेट्री इज नोन एज एसिमेट्री। और एसिमेट्री किसमें देखने को हमें मिलती है? पॉरिफेरा, पॉरिफेरा, पॉरिफेरा में हमें एसिमेट्री देखने को मिलती है। द ओनली फाइलम विच इज हैविंग एसिमेट्री इज पॉरिफेरा, व्हाइल एज टीनोफोरियंस और सिंडारियंस में रेडियल सिमेट्री है, और जो प्लांट हेलमाइंथिस से लेकर कॉर्डेट्स तक इकाइनोडर्मेट्स को छोड़ के उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है।
अब देखो बायलेटरल सिमेट्री में एक पॉइंट में और ऐड करता, बायलेटरल सिमेट्री जो है देखो किन में बायलेटरल, जैसे कि मैंने बोला था जिनमें सिलैंड्रिकल बॉडी होगी और डिस्क-शेप्ड बॉडी होगी, या जो बहुत ही कम चलते हो या एक ही जगह हो, तो उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसी तरीके से बायलेटरल सिमेट्री किन में हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री उन ऑर्गन में हो सकती है जिनमें सेफलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हेलमाइंथस। प्लांट हेलमाइंथस में, प्लांट हेलमाइंथस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें सेफलाइजेशन होगी। सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड लाइक स्ट्रक्चर। हेड लाइक स्ट्रक्चर किसमें फॉर्म हो गया, पहले पहला पहला फाइलम कौन सा है जिसमें हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, दैट इज प्लांट हेलमाइंथस। तो फॉर एग्जाम्पल देखो प्लांट हेलमाइंथस, अब वो एक ही जगह नहीं रहते थे, वो मूव करते थे। द फर्स्ट फाइलम जिसमें मूवमेंट आ गई वो प्लांट हेलमाइंथस है। तो प्लांट हेलमाइंथस में जब मूवमेंट आ गई तो उनको अब हर कहीं डायरेक्शन से उनको अब सेंस ऑर्गन्स की कोई जरूरत नहीं थी, तो उनके सेंस ऑर्गन्स एक ही जगह एक्यूमुलेट, एक ही साइड एक्यूमुलेट हो गए। तो जहां पर सेंस ऑर्गन्स एक ही साइड जब एक्यूमुलेट ये हो गए तो दैट रीजन इज नोन एज हेड। तो जहां जब ये मूव होने लगा, प्लांट हेलमाइंथस में जब मूवमेंट आने लगी, तो इनके अभी तक जो दो फाइलम्स तीन फाइलम्स थे उनमें हर कहीं से सेंस ऑर्गन्स थे, टेंटैकल्स रेडिएट ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन प्लांट हेलमाइंथस में क्या हुआ, जो ये सेंस ऑर्गन्स थे, सेंस ऑर्गन्स एक ही साइड में आने लगे क्योंकि ये मूव होने लगे। जब ये मूव होने लगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगे, या तो यहाँ की ओर जाएंगे या तो यहाँ की ओर जाएंगे। तो इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक साइड शिफ्ट होने लगे, और जहां ये शिफ्ट, ये सेंस ऑर्गन्स जहां की तरफ ये शिफ्ट होने लगे, दैट पार्ट इज नोन एज हेड। और इस फॉर्मेशन ऑफ हेड को हम सेफलाइजेशन भी कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में सेफलाइजेशन होती है और जो फास्ट मूविंग होते हैं, और जो मूविंग होते हैं, फास्ट मूविंग और जिनमें क्या होती है सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड जिनमें हुआ हो, उनमें हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, वो मैंने आपको फाइलम्स बोल दिए किनमें हमें देखने को मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो यहां, अब इसके बाद सीलोम है, अगर हुआ तो हुआ सीलोम, नहीं हुआ तो फिर आगे हमारे लेक्चर। सीलोम, अब देखो सीलोम क्या है, सीलोम सिंपली हम कहते हैं स्पेशियस कैविटी, एक खाली जगह, स्पेशियस कैविटी, एक खाली जगह को हम सीलोम कहते हैं। अब देखो सीलोम, पहले आप समझो कि सीलोम होती क्या है। इस 52 मिनट्स का अभी हो गया है लेक्चर, नाउ मैं इसको वाइंड अप ही करूंगा आप लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। सीलोम स्पेशियस कैविटी है ये। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ह्यूमन, कंसिडर दिस ह्यूमन, कंसिडर दिस द ह्यूमन, चलो ऐसा वाला ह्यूमन नहीं मैं बना दूंगा, ह्यूमन को यहां पर मैं बना दूंगा। ये भाई मदनलाल है ह्यूमन। इस ह्यूमन में ये माउथ है, माउथ से लेकर जो इसकी बॉडी है, बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल है, और अंदर इसके एक ट्यूब होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब होता है, दैट ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखो ये क्या है, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये बॉडी है, दैट इज बॉडी वॉल। अब ये जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान एक स्पेस आ जाती है, ये स्पेस, दिस इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। यहां से भी स्पेस और यहां से भी स्पेस। तो ये जो स्पेस आ रही है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, दिस स्पेस इज नोन एज सीलो। स्पेस बिटवीन
हम क्या लिखेंगे सीलों को, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, ये तो बॉडी वॉल होगी और ये क्या होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक स्पेस आती है, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम, और ये जो सीलोम है दिस ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज ऑलवेज फिल्ड विद फ्लूइड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। ये किससे भरी होती है, फिल्ड विद फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। इस स्पेसिस कैविटी में, इस खाली जगह, जो खाली जगह कहाँ कहाँ है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान एक खाली जगह है, उस खाली जगह में हमेशा क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं। तो दिस स्पेसियस कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड इज नोन एज सीलोम, हम उसको क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब देखो ये जो सीलोम है, सीलोम सीलोम एनिमल्स 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 तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके के एनिमल्स हमारे पास हैं, एनिमल्स तीन तरीके के हैं, या तो ये एसीलोमेट्स होंगे जिनमें सीलोम ये स्पेशस कैविटी होती ही नहीं है, या तो सीडोसीलोमेट्स होंगे फॉल्स सीलोम, आई थिंक ये सीलोम इस वाले लेक्चर में नहीं होगा, और यूसिलोमेट्स जिनको हम ट्रू सिलोमेट्स कहते हैं, यूसिलोमेट्स जिनको हम ट्रू सिलोमेट्स कहते हैं। तो तीन तरीके के एनिमल्स हैं, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स आर द ट्रू सिलोमेट्स। अब देखो सीलोम का कंसेप्ट क्या है, सीलोम मैंने कहा कि ये एक स्पेशियस कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल फिर से मैं बना रहा हूं और ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बीचों बीच क्या है, दिस इज एन एलिमेंट्री कैनाल और यहां से ये बॉडी वॉल है। अब देखो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान स्पेस, दैट इज नोन एज सीलोम, लेकिन ये जो स्पेस है ये स्पेस लाइन होती है किससे, दिस स्पेस इज लाइनड बाय मेसोडर्म, ये किससे लाइन हुई है, मेसोडर्म से। अब देखो सीलोम पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना था जर्म लेयर्स, चलो अब यहां तक मैं आ गया हूं, तो ये वक्त क्लास मैं यहीं पर अभी खत्म कर रहा हूं क्योंकि हो नहीं पाएगा, 1 घंटे का क्लास हो गया है, 1 घंटे का क्लास हो गया। तो ये जो सीलोम है, सीलोम किससे लाइन होती है, इट इज लाइनड बाय मेसोडर्म। अब मेसोडर्म क्या है, तो उसके लिए मुझे पहले आपको जर्मिनल लेयर्स पढ़ानी है, ये मेसोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म, लेकिन इस वाले मेसोडर्म का हम पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। मेसोडर्म क्या है, एक जर्म लेयर है, एक जर्म लेयर है। नाउ व्हाट इज जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर, तो जर्मिनल लेयर सब यहां पर आ गया है, तो आप पहले देखो जर्मिनल लेयर्स क्या होते हैं। हर कोई एनिमल, चाहे पॉरिफेरा हो चाहे सिलेंट्रेटा हो, पॉरिफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक, हर कोई एनिमल डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट, कहां से डेवलप होता है, जाइगोट से, हर कोई एनिमल जाइगोट से डेवलप होता है। जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनता है बाय स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं तो तब जाके जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे जाके क्या बनता है, मरूला बनता है, और मरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। तो जब ब्लास्टुला भी बन गए उसके बाद जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, तीन सेल्स की लेयर्स बन जाती हैं, और उन सेल लेयर्स को वो ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल लेयर, फिर दूसरी वाली सेल लेयर, और फिर तीसरी वाली सेल लेयर, तीन सेल लेयर्स बनती है। एक लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, बाहर वाली लेयर को, मेसोडर्म बीच वाली लेयर को, और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर को। अगर आप एनसीईआरटी पर डायग्राम इसकी देखोगे तो एनसीईआरटी पर डायग्राम ऐसे है, आप बाहर वाली लेयर,
फिर ये मेसोडर्म है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और यहां पर ये एंडोडर्म है। ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, ये वाली लेयर क्या है, ये मेसोडर्म है, और ये वाली लेयर जो है दिस इज एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर्स। इन्हीं से सारे ऑर्गन्स बनते हैं, हमारी आईज, हमारे हैंड्स, टीथ, किडनीज, ग्लैंड्स, वो किन से बनते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। इनको हम जर्मनल लेयर्स कहते हैं। जर्म का मतलब हो गया विच गिव्स फॉर्मेशन टू समथिंग। तो जर्मनल लेयर्स बन गए, तो ये जर्मनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन गए। तो आगे हम कल पढ़ेंगे कि जर्मनल लेयर्स और सीलोम का जो चक्कर है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज इतना, आप इसको रिवाइज करो। तो इतना मैंने आज पढ़ाया है, थोड़ा सा जर्म लेयर, 1 घंटा 1 मिनट। ओके।